नमस्कार दोस्तों, एरिया फार्म YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि टमाटर की उन्नत फसल के बारे में A to Z जानकारी दी गई है। जैसे टमाटर की खेती। किसान भाइयों, टमाटर एक महत्वपूर्ण सब्जी फसल है। इसकी खेती पूरे वर्ष की जा सकती है। इसे विलायती बैंगन भी कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम सोलानम लाइकोपर्सिकम है तथा ये सोलानेसी कुल से संबंध रखता है। आज गांव किसान अपने इस लेख द्वारा आप सभी को टमाटर की खेती की पूरी जानकारी देगा। टमाटर के फायदे, बेनिफिट्स ऑफ टमाटो। टमाटर पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है, इसलिए इसे मुख्य सब्जी फसल कहा जाता है। टमाटर में विटामिन ए व सी की मात्रा अधिक होती है। इसका उपयोग ताज़ा फल के रूप में तथा उन्हें पकाकर डिब्बाबंदी करके अचार, टमेटो चटनी, टमेटो सूप, टमेटो केचप, टमेटो सॉस आदि बनाकर किया जाता है। टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन नामक पदार्थ होता है, जिसे प्रमुख एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। टमाटर की खेती के लिए मिट्टी एवं जलवायु, सॉइल एंड क्लाइमेट फॉर टमेटो कल्टीवेशन। टमाटर की खेती कई प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त है। भूमि का पी H0 मान 7 से 8.5 तक होना चाहिए। इसके अलावा भूमि में जल निकास का उचित प्रबंध होना चाहिए। टमाटर की अच्छी फसल के लिए 18 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उचित होता है। 27 डिग्री सेल्सियस के अधिक तापमान पर इसका लाल रंग फीका पड़ने लगता है। जब रात्रि का तापक्रम 13 डिग्री सेल्सियस से कम और दिन का तापक्रम 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने लगता है, तब परागण व फल लगने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। टमाटर के बीज की मात्रा एवं बुवाई, टमेटो सीड क्वांटिटी एंड सोइंग। टमाटर की एक हेक्टेयर में फसल उगाने के लिए मुक्त परिगत किस्मों का 400 से 500 ग्राम एवं संकर किस्मों का 150 से 200 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। बीजों को पौधशाला में लगाया जाता है तथा लगभग 20 से 25 दिन बाद रोपाई की जाती है। टमाटर के बीज की बुवाई एवं रोपण का समय, टमेटो सीड सोइंग एंड प्लांटिंग टाइम। क्षेत्र, मैदानी भाग शरद ऋतु, मैदानी भाग बसंत ग्रीष्म ऋतु, पहाड़ी भाग। बुवाई का समय जुलाई सितंबर, नवंबर दिसंबर, मार्च अप्रैल। पौध रोपण का समय अगस्त अक्टूबर, दिसंबर जनवरी, अप्रैल मई। अगर आप टमाटर के 25 ग्राम बीज लेते हैं तो उसमें लगभग 8000 से 9000 बीज होंगे। इनके अंकुरण की क्षमता 4 वर्ष तक होती है। अगर बीज अच्छा है तो 80 से 90% तक जमाव लेता है। टमाटर का बीज अन्य सब्जियों के बीज की अपेक्षा हल्का होता है। टमाटर के खेत की तैयारी। टमाटर की खेती के लिए खेत को अच्छी तरह तैयार करना चाहिए। इसके लिए खेत को एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 से 3 बार कल्टीवेटर या देशी हल से जुताई कर पाटा लगा ले, जिससे मिट्टी बराबर और भुरभुरी बन जाए। टमाटर के लिए खाद एवं उर्वरक, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर फॉर टमेटोज। टमाटर की खेती के लिए खेत तैयारी में पहली जुताई के समय 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट खाद जरूर डालें। इसके अतिरिक्त 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम स्फूर एवं 60 किलोग्राम पोटाश खेत की तैयारी के समय खेत में डालें। नाइट्रोजन की शेष मात्रा 40 किलोग्राम रोपाई के 45 दिनों बाद एवं 40 किलोग्राम नाइट्रोजन 80 से 90 दिनों बाद खेत में टमाटर की फसल में डालें। टमाटर की खेती के लिए सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग। खेत की अंतिम जुताई के समय 20 से 30 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। इससे टमाटर के फल का फट जाना रोका जा सकता है। इसके बाद रोपाई के 3 से 4 सप्ताह बाद 0.3 से 0.4% बोरॉन के घोल का छिड़काव करने से फलों का फटना रोका जा सकता है। टमाटर का पौध रोपण, प्लांटिंग टमेटो सीडलिंग्स। टमाटर की सीमित बदवार वाली किस्मों को 60 से 50 सेंटीमीटर पर लगाना चाहिए। वही असीमित बदवार वाली किस्मों को 75 से 60 सेंटीमीटर पर रोपाई करनी चाहिए। टमाटर की सिंचाई, टमेटो इरिगेशन। टमाटर की पहली सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद करनी चाहिए। शरदकालीन फसल में आवश्यकतानुसार 10 से 15 दिन के अंतराल पर एवं ग्रीष्मकालीन फसल में 5 से 7 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहे। इसके अलावा अधिक समय तक भूमि सूखी रहने के बाद अधिक पानी नहीं देना चाहिए। टमाटर में खरपतवार नियंत्रण, वीड कंट्रोल इन टमेटो। टमाटर में खरपतवार नियंत्रण के लिए 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पेंडीमेथिलिन का पौध रोपण के 1 दिन पहले छिड़काव करें। इसके अलावा 45 दिन बाद खुरपी से निराई गुड़ाई करके खेत को खरपतवार से मुक्त रखें।
टमाटर के पौधों को सहारा देना, सपोर्ट टोमेटो प्लांट्स। टमाटर की शाखाएं भूमि पर गिर जाती है, इस कारण हवा और प्रकाश से वंचित होने लगती है। फल भी सिंचाई के पानी में पड़े रहने के कारण रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त फलों में आकर्षक रंग भी नहीं आ पाता है, इसलिए पौधों को कम से कम 3-4 सेमी शून्य मोटी बांस की खूंटी के सहारे लताओं टोमेटो लीफ को सहारा देना चाहिए। इस प्रक्रिया से अधिक प्रकाश पाकर फल आकार में बड़े और आकर्षक होते हैं। टमाटर के फलों की तुड़ाई टोमेटो फ्रूट हार्वेस्ट। टमाटर की तुड़ाई बाजार के अनुरूप करनी चाहिए। सीमित बढ़वार वाली किस्में रोपाई के 65 से 70 दिनों बाद एवं असीमित बढ़वार वाली किस्में 75 से 80 दिनों बाद फल देना प्रारंभ कर देती है। तुरंत उपयोग करने के लिए फल पूर्ण रूप से सुर्ख हो जाने पर ही तोड़ना चाहिए। बाजार या दूर भेजने के लिए ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि तुड़ाई करते समय फलों का रंग हल्का लाल हो जाए। टमाटर की उपज टमेटो यील्ड। संकर किस्मों की उपज लगभग 400 से 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर और मुक्त परागित किस्मों की लगभग 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। टमाटर की खेती में रोग एवं कीट नियंत्रण डिजीज एंड पेस्ट कंट्रोल इन टमेटो कल्टीवेशन। आर्द्रगलन रोग। आर्द्रगलन नर्सरी में लगने वाला मुख्य रोग है। इस रोग में सतह जमीन के पास तना गलने लगता है तथा पौध मर जाती है। इस रोग से टमाटर को बचाने के लिए बुवाई से पहले बीज का उपचार फफूंदनाशक दवा कैप्टान 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से करें। इसके अलावा कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर सप्ताह में एक बार नर्सरी में छिड़काव करें। कुकड़ी रोग। टमाटर की गर्मा फसल में मुख्यतः कुकड़ी रोग देखा जाता है। इसके नियंत्रण के लिए 1 मिली शून्य प्रति 3 लीटर पानी में इमिनाक्लोपोरेट का छिड़काव किया जाता है। शामवर्न रोग। शामवर्न एंथ्रोक्नोज रोग में शुरू में टमाटर की पत्तियों पर पीले गोल जलयुक्त धब्बे दिखाई देते हैं। ये धब्बे आपस में मिलकर बड़े व भूरे हो जाते हैं। रोगी पत्तियां सूख जाती है। फलों पर धब्बे गोलाकार जलयुक्त व हल्के रंग के होते हैं। रोग के निदान हेतु बीज को थाइरम या बविस्टान 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करके बोना चाहिए। मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का 7 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करना चाहिए। पत्ती झुलसा रोग। पत्ती झुलसा रोग टमाटर बैगन कद्दू वगैरह सब्जियों में देखा जाता है। सर्वप्रथम पत्ती पर हल्के भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जो बाद में गहरे रंग के व आकार में बड़े हो जाते हैं। धब्बे पत्तियों पर केंद्रीयकृत गोल आकार में बनते हैं, जिससे पौधे की पत्तियां झुलसी हुई दिखाई देती है। रोग के निदान के लिए स्वस्थ बीज का प्रयोग करें, फसल चक्र अपनाएं, फसल पर मैनकोजेब 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी का 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। विल्ट रोग। इस रोग में टमाटर का पौधा मुरझाकर सूख जाता है, पत्तियां पीली हो जाती है, काला वाला क्षेत्र सिकुड़ जाता है, पौधे की जड़ व भीतरी भाग भूरा हो जाता है, पौधे की वृद्धि रुक जाती है। रोग के लक्षण सबसे स्पष्ट फूल आने व फल बनने की अवस्था पर ज्यादा दिखाई देते हैं। रोकथाम के लिए रोग रोधी प्रजातियां उगानी चाहिए। भूमि सौर्य किरण से शोधन करने से इस बीमारी को कम कर सकते हैं। बोने से पहले बीज को कार्बेंडाजिम 1-2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचारित करें तथा बीमारी आने के बाद रेंजिंग कर सकते हैं। तना व फल छेदक कीट। गर्मियों में टमाटर में तना व फल छेदक कीट अधिक मात्रा में लगता है। इसकी रोकथाम के लिए तने को छांट के जला देना या मिट्टी में दबा देना चाहिए। पौधे को लगाने से पहले जड़ को क्लोरोपाइरीफॉस 2 मिली शून्य प्रति लीटर पानी के घोल में 5 मिनट डुबाकर उपचारित करना चाहिए। इसके बाद इंडोक्साकार्ब के 1-5 मिली शून्य प्रति लीटर पानी में घोल कर छिड़काव से इसका नियंत्रण लिया जा सकता है। माहू एवं जैसिड कीट ट्रिप्स एफिड या माहू एवं जैसिड कीट टमाटर की पत्तियों का रस चूसते रहते हैं और उपज के लिए हानिकारक होते हैं। रोगर या मेटासिस्टाक्स 2 मिली शून्य प्रति लीटर पानी में या इमिडाक्लोप्रिट 1 मिली शून्य प्रति लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करने से इसका नियंत्रण कर सकते हैं। निष्कर्ष। किसान भाइयों, उम्मीद है कि आप सभी को टमाटर की खेती टमेटो फार्मिंग से संबंधित गांव किसान का ये लेख पसंद आया होगा। गांव किसान द्वारा टमाटर के फायदे से लेकर कीट नियंत्रण तक सभी जानकारी आप सभी को गई है, लेकिन फिर भी टमाटर की खेती टमेटो फार्मिंग संबंधित जानकारी आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टमाटर में होने वाली इस प्रकार की अन्य बीमारियों की जानकारी के लिए कमेंट करें। चैनल की सदस्यता प्राप्त करने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।